हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो फ्रेंड्स, सातवें चयन के अभ्यर्थियों के लिए ये न्यूज़ काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि सातवें चयन में हाई स्कूल और प्लस टू स्कूलों में 83,277 से अधिक शिक्षक होंगे नियुक्त। तो फ्रेंड्स, इस अपडेट को विस्तार से जानते हैं। प्रस्तावित सातवें चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 83,277 से अधिक रिक्तियाँ हैं। इनमें सबसे अधिक 49,361 रिक्तियां 6,421 उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए होगी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में नियुक्तियों के लिए नियमावली भी तैयार की जा रही है। माध्यमिक स्कूलों में 33,916 पद रिक्त हैं। 5,425 माध्यमिक स्कूलों में प्रति स्कूल 6-6 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। ये शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान के होंगे। इसके अलावा दूसरी राजभाषा मसलन उर्दू, संस्कृत आदि के लिए 5,791 पद और कंप्यूटर शिक्षक के लिए 1,000 पदों पर नियुक्ति की जानी है। और फ्रेंड्स, ये पद सातवें चरण के लिए सृजित किए गए हैं। हालांकि सातवें चरण में कंप्यूटर शिक्षक के लिए योग्य उम्मीदवारों के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित की जानी है। इसी तरह कॉमर्स विषय में नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने के लिए भी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जानी है। छठे चरण में कंप्यूटर और कॉमर्स विषय में रिक्तियां हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि उनकी संख्या में पात्र अभ्यर्थी नहीं है। तो फ्रेंड्स, सातवें चरण के वेट कर अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कौन से स्कूलों में कितनी रिक्तियाँ हैं। 49,361 रिक्तियाँ जो है प्लस टू स्कूलों में है और 33,916 पद जो है हाई स्कूलों में है। फ्रेंड्स, इस अपडेट की मेन पॉइंट क्या है, चलिए आइए जानते हैं। सातवें चरण में विज्ञान विषयों भौतिकी, रसायन शास्त्र, जूलॉजी, बॉटनी, वो गणित और अंग्रेजी पर विषय फोकस रहेगा। तो फ्रेंड्स, इन सब्जेक्ट के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ ये है, क्योंकि इन सब्जेक्ट में ज़्यादा रिक्तियां आने वाली है। तो चलिए सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सातवें चरण के लिए बेहद पारदर्शी सिस्टम भी तैयार किया गया है, हालांकि अभी इसकी घोषणा होना बाकी है। तो फ्रेंड्स, इस सेकंड पॉइंट से ये लगता है कि आपका जो सातवां चरण है बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि पारदर्शी सिस्टम भी तैयार किया गया, यानी कि आपका जो भी ऑनलाइन प्रोसेस होगा या सेंट्रलाइज प्रोसेस होगा उस पर भी शिक्षा विभाग काम कर रहा है और जल्द इस पर ऑफिशियल लेटर जारी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, सातवें चरण के जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बहुत जल्द ही आपका ऑनलाइन से रिलेटेड कैसे ऑनलाइन प्रोसेस होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इनसे इन पर एक डिटेल वीडियो आने वाली है। तो फ्रेंड्स, चैनल से कनेक्टेड रहिए, फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।